नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी आदमी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चूहा। चूहा का हृदय धड़कन सबसे तेज होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर डी सही है, सुक्रोज के रूप में। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 क्षारीय होता है। रक्त जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 हो या 7 के बराबर हो वह उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान उदासीन होता है यानी 7 होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो वह अम्लीय कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त क्या है, तो रक्त उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार रक्त उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है, फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि है, आरबीसी यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 80 दिन, ऑप्शन डी 220 दिन। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। मानव हृदय घिरा हुआ है। पेरिकार्डियम से, ऑप्शन नंबर ए सही है, पेरिकार्डियम से। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाल रक्त कण आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? लाल रक्त कण आरबीसी। अगला प्रश्न है, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लोएम। भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? तो फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लोएम के द्वारा होता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी सही है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरे पौधों में, ऑप्शन नंबर सी सही है, हरे पौधों में। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6, ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 होता है। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? नमक, ऑप्शन नंबर सी सही है, नमक। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी सही है, सेल्यूलोज। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? काश स्कूटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है एनामेल, ऑप्शन नंबर बी सही है, एनामेल, इनामेल, ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बोहाइड्रेट। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। पर्ण हरित सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, पर्ण हरित सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, CO2 से नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोफिल में।
क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, ऑप्शन नंबर ए सही है हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मृतजीवी, मृतजीवी ऑप्शन नंबर बी सही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृतजीवी ऑप्शन नंबर बी सही है। सरी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, सरी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मृतजीवी ऑप्शन नंबर बी सही है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, रंध ऑप्शन नंबर बी सही है रंध में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत ऑप्शन नंबर सी सही है यकृत। दोस्तों यह सभी विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में फाइनल में ये बार बार पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो लाइक वीडियो को करें और कमेंट करके बताइए कि आप पहले से कितने प्रश्न का उत्तर सही से जान रहे थे। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।